योग्य माने जाओगे। हाय धाक धरन से गगन तलाक, रचना समस्त मुझे ही में है। हाय आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझे ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही अरे त्रैलोक कांपने लगता है। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरता है। सुनते हो अभिमान जाओ मरकट। तो वो क्यों अपना शक अपने गुण गाता जाता है, चाहना है तो निज कर्म बता उसे क्यों लज्जा जाता है। कहने में भी मैं लजा रहा, काला बस पिता का मित्र हारा है। एक बार नार्य ने बनाया था तुझे जब सहस्त्र बाहु दिखाए थे, आज तेरे नसो मस्तक पर दीपक गए जलाए थे। राजा बल पर लड़ने पाताल गए तब बच्चों ने तुझे झुकाया था। अरे 10-20 जगहों पर कौतुक फल खूब उनको भाया था। मरकट अरे मालिक तेरा नाबालिक है, फिर नारी का दुख सहता है। अरे भाई उसका उसके दुख से हर वक्त दुखी ही रहता है। वालर सब मूली गाजर सुग्रीव पेड़ सरिता कटका, अरे जिस जामवान पर फूले हो चौथा पन है अब उस भट का। नल और नील शिल्पी कोरे क्या जाने युद्ध में आना वो। अरे था भक्त भभीषण भक्त निरा क्या जाने खड़क उठाना वो। था वो ही कुछ था जो आकर लंका चला गया। अरे क्या कहूं ताड़ कर तीली को धोखे से पंछी निकल गए। हाय हाय क्या श्री मुख ने जो कथन किया फिर से कहिए महाशय जी। क्या सचमुच उस छोटे पानन ने सारी लंका का दहन किया। वो क्या जाने रण का कौशल, वो तो पूछ नचाया करता है। हाथ तोर में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कप पतने चलते समय उसे कतप चार बतलाए थे। आगे ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम माता जी को कंधे पर पिछला के लाना। चौथे रावण को बंदी कर साथ ही साथ उसे यहाँ लाना। वाह ये काज नहीं कर पाया है, वो कहाँ गया किस ओर गया। अभी वो रामातल में नहीं पहुंचा है। जो तुम्हें खटकता है रामल वो तो रामातल में ही नहीं है, वो कहीं वन में जा छुप गया है। जे मरकट तुम बात बोलते जाते हो, तुम इस समय नहीं समझते हो कि कहां पे खड़े हो किससे बातें करते हो। बस मर्यादा के भीतर ही रह, बस मर्यादा के भीतर ही रह 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 कर राल बढ़ाने का। अरे बकवादी तेरा काम नहीं सर हो कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों पक पक यहां लगाई है। मानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य इस प्रकार है जैसे जल के ऊपर बबूला है।
तू अपने हिस्से की में है, एक त्रिभुवन को माने जीता है। और लोगों क्या ये सुनी नहीं, अन्याय अधिक न जीता है। जब मरने के दिन आते हैं तो अल्पत्यायु रह जाती है, तो बुद्ध निपट उल्टी होकर चल के मद में बह जाती है। अरे पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। दो चार रोज में रावण तो इस जग से जाने वाला है। उस जग में मेरे पिता पाल से मिल, मेरी सब कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काम बता देना। उस जग में जाने वाले अपने साथ श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को वो जाने वाले लेते जा। चुप रहो मरकट, जो कायर और भयातुर हैं वो संध संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं हटाते हैं। तेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मर्तंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। जिस समय यहां से जाएगा तुझको मरवा डालूंगा, सोच ले। जो सेवक अपने स्वामी की कानों से निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो गांव को फाटक लगता है। हेलो 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 हाल जाओ हाल जाओ हाल जाओ हाल जाओ धरती पर हाल जाओ। ओ झूठे चोर, ओ झूठे नारी चोर, तुझे क्या सन्निपत हो गया तुझे। अरे ले आओ कोई बड़ा भेद, यह चंद्रोदय खिला दू अभी। अरे देखा देखा अपने आंखों के सामने अनबनवासी किन्नर का, तुम मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। ऐ नरकट, तूने जिस कट शब्दों से मुझको इतना धक झोरा है, वो बालक बुद्ध में कोरा है, बल बुद्ध ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना, अरे तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में, वो उस दुख ने मृतवत किया उसे। दशरथ, तुझे मैं बार बार चंद की प्रस्तावना दे रहा हूँ, लेकिन तू मुझे ठुकरा रहा है। निश्चित है तेरा अंत है। आए, आए मेरे सेवकों, पकड़ो पकड़ो इस ढीठ बांधने को, रस्सिया बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर सारा तनिष्का झुलताओ। मुखिया बलवान इधर आओ, यह कार्य पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ जाओ वानर दल में जाओ, उस वानर भालुओं को खा जाओ। अरे अनजान अनजान, जान की प्यासी है, दे दे जान की, नहीं तो जान की प्यासी है। कर अबला को कल पाएगा तो नहीं कभी कल पाएगा, बाकी बात को क्या बदला। कर आज नहीं तो कल पाएगा। अरे तू असुरों के गुण तो गाता है, ये तेरा धोखा आ चला है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखू किसमें कितना बल है। समझ राम प्रताप कप को पा, सभा मांग पल कर पदरो पा।
तू मेरे प्रभु की बार बार निंदा करता है और अपने असुर कुमारों का बलवान पखान करता है, तो मैं प्रभु श्री राम की चंद्र की ओर से ये सौगंध खाकर कहता हूं कि तू भुला दे अपने योद्धाओं को, मैं ये पैर धरती पर जमाने जाता हूं। जय श्री राम। बस जय श्री राम। जय श्री राम। कर कर मेरा ये पैर, कर मेरा ये पैर चलायान। कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र जी फिर जाएंगे, सीता मैया को मैं हार गया। अरे रावण, मैं तुझे इस भारी सभा में पूर्ण चुनौती देता हूं, यदि मेरा पैर उठाने की बात नहीं कोई हिला सका तो मैं चला जाऊंगा, मेरे प्रभु श्री राम वापिस चले जाएंगे। बस क्या और कुछ, बस हिला कर दिखाओ। अरे सेना नायको बढ़ो, इसके पैर को पकड़ के इस बानर के बच्चे को इस लंका से बाहर फेंक दो। बन रे, फेंकूंगा एक हाथ से और चार संगला लाएगा, भूखे राक्षस का भोजन है, बचकर कहां दूध जाएगा। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। जाओ इस वानर के बच्चे का पैर पकड़कर मेरे श्लंक से फेंक दो। हेलो महाराज, अब पैर निकल उठाई पहाड़ बहुत झुंझुने घाट बज रही है। हे बंदर, इसको उठाकर फेंक दो। हे बंदर, जय श्री राम। अरे चला चबा लिया। यालो चना चबाए लो, मोर कहीं और भाग जाओ। यही असुर कुमार हो, अब तो उठा बहाने चुजुए घाट बज रही हो। जय श्री राम। उठाई, अरे हमसे कहे बेवकूफ, तेरे बाजुओं में बल है तो आजा आजमा के। हमसे चाहता आजा, अरे हम चना चबाई थे, जत्ता घोड़ा के दम है उनसे ज्यादा हमरे दम है। देखो जैसे अब उठा भाई का भाई तो ठीक है, रुको महाराज इनका पर उठा भाई हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बेईमानी हमरे पालक अंदर आई है उधर के नहीं तुका तो उठाल जात रहे। अबे भाई जी दी हुआ तो तुका भैया हमें रहा दो, ये मेरे छोटी ना है कि आपकी छोड़ अपना जान लियो भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आ महाराज दशानन और अपने असुर कुमारों को
आजमा लीजिए। तो कपी बल देख सा कल ही हारे आओ भाप कपी के परिचारे। हे उठाया पुका पिके परिचारे मैं आ रहा हूं तेरे पैरों को पकड़ कर उठा कर फेंकूंगा। तो गहाटी चरण कहा बाल कुमारा मम पद गहे ना तोड़ उबारा। हे महाराज सेवक के पांव पर क्यों अपनी शान घटाते हैं, क्यों नहीं पकड़ते रामचरण, उससे क्यों लज्जा खाते हैं। आप मेरे पैर पकड़ क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ आपको क्षमा दिलवाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। हे दशानन, हे दशग्रीव, हे मेरे पिता के मित्र, मैं आपको बार बार ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु रामचंद्र जी को माता सीता जी को स्वयं सौंप दीजिए और इस राक्षस कुल का विनाश होने से बचा लीजिए। दशग्रीव बचा लीजिए। तो मेरे सन बे मानव संपत सकल गवाई। हे दशानन, हे दशग्रीव, अब आप कुछ मेरे बल से अनुमान लगाइए कि जब एक छोटा सा दूध सेवक जिसका पैर आपके लंका में कोई ऐसा महान योद्धा नहीं है जो उस सेवक का पैर हटा सके और आप मेरे प्रभु से संध नहीं करना चाहते, यदि दोनों ओर संध होगी बलदान नहीं होंगे, बने रहेंगे सुनसान नहीं होंगे, लड़की चंदी चेतेगी धरती सोने में होगी जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी, जिस समय अराजकता फैली तो घर घर में ठन जाएगी ये हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूम बन जाएगी, बच्चे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। चुप रहो, अरे सागर की क्या गरज पड़ी है जो किसी तालाब से मेल करे, क्या करे दिवाकर दिवानाथ तीन पक्ष से जाकर खेल करे। सुनते हो तप से गन्ने के समान मेरा निश्चल सब हाथी है, मत कर अजान सी बातें, जान की साथी है जा। हे महाशय जी, जानकी तू जानकी प्यासी है। हाँ जानकी जानकी साथी है, जानकी जानकी प्यासी है, अनजान जानकी जान। अरे वानर तू मुझे शंका बता रहा है, तू मुझे डरता रहा है, अरे मुझको शंका किस
बात की है, मैं तो त्रिणवर्ती विशाला हूँ, है त्रिकाल का ज्ञान मुझे, पर पंडित साल निराला हूँ। मेरे विकराल गर्जना से रे अंगद गर्भ गिर जाते हैं, अरे पड़े चक्रधर चक्कर में भाव सिंध में गोते खाते हैं। तो मुझे डरा रहा है तो राजनीति के ब्रह्मा के पढ़ाए हुए को पढ़ा रहा है। जा भाग जा, हम दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें ठन रही लड़ाई है तू तो पेड़ों पर उछल कूद, क्यों बक बक यहां लगाई है? जा श्री महाराज। हे हे महाराज नाराज ना हो, मैं रावण दल को चाहता हूँ। और महाराज चाहते चाहते एक और अंतिम प्रार्थना किए चाहता हूँ। क्या? यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीत तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुझे, ऐ रावण जिस तन पर है अभिमान तुझे, वह एक दिवस छूट जाएगा। बस अंत बसंत काल का है, ये खिला उपवन उड़ जाएगा। अरे वो मिट्टी है, जो मिट्टी है वो मिट्टी ही है, बतलाओ वो मूरत कैसी जो एक रंग में रंगे नहीं, उसकी रंगत रंगत कैसी जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उससे अनुराग बढ़ाना क्या। जल जाए कृष्ण में जो बिरवा, उसको फिर जल से सिंचवाना क्या। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, दो चार रोज में रावण तो इस चक से जाने वाला है। और मैं आपको बारंबार यही सलाह देता हूँ कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में आप शीश नवा लीजिए, अपने दांतों में तिनका दबा लीजिए, माता सीता को साथ ले लीजिए। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी से बारंबार आप अपने प्राणों की भिक्षा मांग लीजिए। मेरे प्रभु सर्वस्व दयालु हैं, कृपालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। हट जा भाग यहाँ से, जा अन्यथा बुरा फल पाएगा, जो अब तू चुबा टलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। जा मेरे से वो जल हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चंद्रहास तेरे ऊपर चिपक न जाए। जय श्री राम।